गुड मॉर्निंग टू आइए, इनकम टैक्स लॉ हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग ये देख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है बीकॉम ऑनर्स थर्ड पार्ट के बच्चों के लिए। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें, वो है थोड़ा सा अगले कड़ी, जो कि हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकालना सीखा था, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम म्युनिसिपल टैक्स को लेस करने के बाद जो नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसको देखते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। आइए देखते हैं हम सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में किया हुआ था उसको रिमाइंड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में ये हमने करना सीखा था कि आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालना सीखा था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्टकट में GAV बोलते हैं। आज जो हम सीखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो साथ साथ करेंगे ही, साथ ही साथ उसमें से जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस का नाम है म्युनिसिपल टैक्स लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। जब इसको लेस करते हैं हम तो हमारे पास शुद्ध मूल यानी कि नेट एनुअल वैल्यू जो आता है, राइट। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो है आपको पेड के बेसिस पे होगा, चाहे वो करंट ईयर का पे हुआ हो, चाहे वो आगे का पे हुआ हो, या वो पीछे का पे हुआ, जिस साल में पेमेंट होगा उसी साल में डिडक्शन मिलेगा। एग्जांपल सपोज दैट अभी हम लोग जो क्वेश्चन शो कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है करदाता ने, हाउस के मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पे किया है 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 जो पे किया है हो सकता है ये डिफरेंट साल का हो। सपोज दैट मान लेते हैं ये 4 साल का पे कर दिया हो, 4 ईयर्स के लिए पे किया हो, तो भी जिस साल में पेमेंट होगा उसी साल में डिडक्शन होगा। तो आइए इसको हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, जो कि आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, उसके माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा क्या रेलेवेंस रहेगा इस पीरियड का म्युनिसिपल टैक्स के अकॉर्डिंग। जबकि आप एक बार रिवाइंड करके देखोगे तो पीछे हम लोग कहाँ पे हैं, एक बार फटाफट आप देख लें कि हमने आपको एक बार फॉर्मेट भी दिया हुआ था कि आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगा, उसके बाद से लेस टैक्स पेड, ये करने के बाद। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम देखने का कोशिश करेंगे ताकि हम पहुँच पाए कहाँ पे, नेट एनुअल वैल्यू पे। उसके आगे भी बहुत सारे काम रहेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। चलिए तो आइए हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। पहले इलस्ट्रेशन को रीड करने का कोशिश करते हैं, फिर उसके अंदर जो बातें आएंगी उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पे व्यू हो रहा होगा, राइट। इसमें देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डेटा दिया हुआ है, और इनका पास 5 घर के बारे में दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। उचित किराया मतलब फेयर रेंट, फेयर रेंट आपका दिया हुआ है, नगरपालिका म्युनिसिपैलिटी वैल्यूएशन दिया हुआ है, और एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है। सारा कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 में हो चुका है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ता है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होता है वही हमारा फेयर रेंट होता है, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है तो। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट रखता है तो उस हम फेयर रेंट को, एक्सपेक्टेड रेंट को हम रोक के रखते हैं स्टैंडर्ड रेंट तक, फिर हम कंपेयर करते हैं उसको एक्चुअल रेंट से, जो दोनों में हायर होता है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य निकल के आता है। अब आप
देखोगे क्वेश्चंस में, इस थर्ड नंबर क्वेश्चंस में आप बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, मकान संपत्तियों का वार्षिक मूल्य बोल रहा है। वार्षिक मूल्य मतलब एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे सकल वार्षिक मूल्य नहीं बोल रहा है आपको, ग्रॉस एनुअल नहीं बोल रहा है। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है, हम मान के चलते हैं अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे, एनुअल वैल्यू का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ऑल्दो लॉ में नेट एनुअल वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू राइटर लोग या टीचर लोग अपने हिसाब से समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में एनुअल वैल्यू ही वर्ड यूज किया गया है जिसको हम नेट मानते हैं। एनुअल वैल्यू वो होता है जो कि जो आपके पास एक्चुअल रेंट है जो कि आपका निकल के आया है जीएबी, और उसमें से आप म्यूनिसिपैलिटी टैक्स नगर पालिका का कर जब घटाओगे और घटाने के बाद जो फिगर आएगा वही एनुअल, राइट। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही किया हुआ था। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है वो देखिए आपके पास, नगर पालिका कर। नगर पालिका कर के केस में फर्स्ट मकान में आपके लिए 19-20 के लिए दिया है 2500, सेकेंड मकान में 18-19 के लिए 5400, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दिया तभी डिडक्शन मिलेगा चाहे वो किसी भी साल का हो, राइट। यहाँ पे इतना, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे 1400 रुपया 6 माह के लिए दिया, राइट। तो एक एक घर का अलग अलग हम करके आपको देखना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 4 नंबर घर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल म्यूनिसिपैलिटी वैल्यूएशंस को घटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से ये अलग क्वेश्चन है, राइट। तो पहले यहाँ तक देखते हैं एक एक करके, अगर इसी केस में बात करें तो हम यहीं पे निकाल देते हैं और आपको आंसर से कंपेयर करवा देंगे। इस केस में देखिए, उचित किराया 30,000, नगर पालिका का मूल कितना है 25,000, रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है, तो 25 और 30 का हायर कितना है 30, और 30 और 28,800 में सबसे हायर कितना है, तो आपके पास आंसर जीए भी निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखते चलिए, अगर आंसर भी आपके पास है, देखिए एक्सपेक्टेड रेंट 30,000, एक्चुअल रेंट 28,800, दोनों में से जो हायर होगा वो आपका जीए भी हो जाएगा, विच एवर इज ग्रेटर लिखा भी हुआ है। आपके पास 30,000 और म्यूनिसिपैलिटी टैक्स जो है आपके पास पेड है 2500 रुपया, राइट। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड है आपके पास कितने का 2500 रुपये का, तो आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये 2500 रुपये आपने पे किया, लेस कर दीजिए। इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट आपका एनुअल वैल्यू कहलाएगा, या आप इसको समझने के लिए NAV भी वर्ड यूज कर सकते हैं, शुद्ध वार्षिक 27,500, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो घर है उसमें आप देखिए इसमें क्या अंतर है। इसमें दिया हुआ है कि आपके पास सबसे पहले हम जीएबी निकालेंगे, तो जीएबी कहाँ से निकलेगा 25,000 और 27,000, दोनों में से हायर कितना है 27,000 और एक्चुअल रेट कितना है 30,000, तो हमारे पास निकल के जो आएगा कितना आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 30,000 का, राइट। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट आपके पास 27,000, एक्चुअल रेंट 30,000, राइट, हो गया, निकल के आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पेड वर्ड यूज किया गया है, आप चाहे किसी भी वर्ष गत वर्ष का पे करो, जिस गत वर्ष में पे करोगे उसी गत वर्ष में आपको डिडक्शन मिलता है। तो 5400 रुपया जो है आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 18, 19, 20 दोनों के लिए 5400 रुपया दिया गया, मतलब एक साल के लिए 2700 था लेकिन दिया गया है 19-20 में, तो आपको डिडक्शन भी मिलेगा 19-20 में ही, राइट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी आपके पास निकल के आ गया, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में बोल रहा है कि गत वर्ष 19-20 के लिए एवं आगे के वर्ष के लिए भी 5800 दिया गया, तो ये 5800 का 5800 पूरा घटेगा। अब यहाँ पे हम इसको स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पीछे के लेक्चर में हो चुका है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है कितना लेस होना चाहिए 5800, तो दूसरे नंबर घर में आपने देखा कि वो पीछे साल का भी इस साल पे किया तो भी घटा, इस साल में अगले साल का भी पे किया तो भी घटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर घर में आपने म्यूनिसिपैलिटी टैक्स पे ही नहीं किया है, तो नहीं पे किया है तो कोई बात नहीं, नहीं पे किया तो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पांचवा नंबर घर देख लेंगे आप, फाइव नंबर घर में आपके पास क्या सीन है,
ये 5 नंबर घर में ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, ये घर बनकर ही तैयार हुआ है 1/10/2019 में, यानी कि आपके पास 1/10/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक 6 महीना ही हुआ, तो सारा काम 6 महीना के हिसाब से ही करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए नगर पालिका का मूल्य जो है 26,000, ये पूरे साल का मूल्य है, तो आपको इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीना ही मेरा घर रहा, तो 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे 13,000। और यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पे जो आपके पास जो मासिक किराया है वो आप प्राप्त किराया है वो 2,000 रुपया मासिक दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, फ्लो में नहीं बहेंगे आप, यहाँ पे सब वार्षिक दिया हुआ था, यहाँ पे मासिक दिया हुआ है, तो जैसे ही मासिक दिया हुआ है तो 2×12,000 रुपया, राइट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आप आंसर में, आप देखिए यहाँ पे 13,000 कर दिया, ये 13,000 कैसे आया, क्योंकि 26,000 नगर पालिका मूल्य था, उसको 2 से भागा दे दिया गया, तो 13,000 आपके पास निकल के आ गया, एक्चुअल रेंट 12,000, राइट। उसमें से जो दोनों हायर हो गया वो आपके पास निकल के आ गया कितना, GAV, और म्यूनिसपालिटी टैक्स आपका जो है पे है 1400 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। देखिए 1400 रुपया पे हुआ है 6 महीने के लिए, पे हुआ तो हुआ। तो ये है आपका क्वेश्चन 3 का, इलस्ट्रेशन 3 का पार्ट ए। तो इतना बात समझ में आया, इससे मेरे पास क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास इस क्वेश्चंस को करने से मेरा ये कॉन्सेप्ट बना कि म्यूनिसपालिटी टैक्स जो है वो जिस साल में पेमेंट होगा उसी साल में उसकी कटौती मिलेगी, अगर पेमेंट आपने नहीं किया है तो आपको कटौती नहीं मिलेगी, राइट। ठीक है, एक दूसरा भी इसमें क्वेश्चन है, पार्ट बी है, ये बिल्कुल सेपरेट है, ये अलग है, इसको आप अलग क्वेश्चन के नजरिए से देखिए। एक मकान का सकल वार्षिक मूल्य नगर पालिका मूल्य 1,00,000 रुपया है, GAV भी दे दिया और बोल दिया साथ ही साथ कि नगर पालिका मूल्य भी है, नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्य का 20% है, राइट। नगर पालिका कर मान यानी कि म्यूनिसपालिटी टैक्स जो है वो नगर पालिका मूल्य का 20% है, यदि मकान मालिक चाहे तो 10 वर्ष का अग्रिम 15% की दे सकता है, राइट। तो भविष्य में उसे कर नहीं लिया जाएगा, मिस्टर एक्स ने गत वर्ष में 1,50,000 रुपये का भुगतान नगर पालिका को कर दिया, ठीक है। तो 1,00,000 के हिसाब से 15,000 होता है, 10 साल के लिए उसने एक ही बार दे दिया म्यूनिसपालिटी टैक्स, तो 1,50,000 रुपये दे दिया। अब आपके पास जो GAV निकल के आया उस साल के लिए 1,00,000 रुपये आया, और म्यूनिसपालिटी टैक्स जो है वो 1,50,000 उसने पेमेंट कर दिया, कैसे पेमेंट किया, 15,000 10 सालों के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो 10 सालों के लिए पे कर दिया, अब एनुअल वैल्यू जो आ गया यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो क्या एनुअल वैल्यू निगेटिव हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। इसका भी सिक्वेंस जब धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट आपका बिल्डिंग होते जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लॉस अगले साल के प्रॉफिट से जाके आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ये अलग से कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस, तो ये वहाँ से आपके पास निकल के आएगा, राइट। तो ये सारा जो सीन रहेगा आपके पास, ये सीन जो निकल के आएगा कि हाँ जी हमारे पास म्यूनिसपालिटी टैक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सारा कॉन्सेप्ट को देखा। तो आज आपने क्या देखा, एक बार फटाफट हम रिमाइंड कर लेते हैं। आज हमने ये सीखा कि हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस को करते वक्त जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से टैक्सेस पेड जो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसपैलिटी टैक्स पेड, वो का डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो सिंपल सा बात है, जिस साल में आप पेमेंट करेंगे उसी साल में आपको डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो पिछले वर्ष का हो चाहे वो इस वर्ष का हो। चलिए मिलेंगे हम आगे के कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे अनुरोध है कि आप रिविजन्स करते रहिए, और रिविजन्स को आप प्रॉपरली करते रहिए, और कॉन्सेप्ट को आप पूरा पूरा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, हम धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।